गुड आफ्टरनून बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अशर्ट इन द मार्केट, आज उसमें हमारा टॉपिक है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। यहाँ पे बताया है कि जो इरोड्स में तमिलनाडु में एक जगह इरोड्स, वहाँ बाई वीकली क्लोथ मार्केट लगती है। और ये जो मार्केट है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। यहाँ पे हर वैरायटी के कपड़े बेचे जाते हैं इस मार्केट में। और ये जो कपड़ा है यहाँ गाँव के आसपास के लोग ले जाते हैं बुनने के लिए, और वहाँ से वो बुन के इसको लाकर बेचते हैं। तो इस मार्केट के बहुत सारे ऑफिसेस हैं क्लोथ मर्चेंट्स जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे ये मार्केट खोली है, वो इस कपड़े को फिर खरीदते हैं। दूसरे व्यापारी जो हैं दूसरे साउथ इंडिया से भी बहुत सारे यहाँ पे मर्चेंट्स आते हैं और यहाँ पे आके इस मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं। तो मार्केट डेज में क्या होता है कि जो व्यूवर्स होते हैं वो कपड़ा ले जाते हैं कि उनको कितना कपड़ा, वो व्यापारी से कपड़ा लेते हैं कि उनको कितना कपड़ा वो बुन सकते हैं। जितना कपड़ा उनको बुनना होता है उतना ही वो कपड़ा लेके एक्सपर्ट, मतलब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, वो व्यूवर्स को यार्न देते हैं, यानी कि वो धागा खरीद के उनको देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनको इसमें कितना कपड़ा बुनना है। तो मेजरमेंट के हिसाब से वो यार्न ले जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा तैयार करके वो वहाँ पे लाते हैं। तो जो जितना यार्न के हिसाब से जितना कपड़ा तैयार करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उनके वेज्स मिलते हैं। तो जो मर्चेंट है वो अपने काम को वीवर्स, बुनने वालों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऑर्डर देता है कपड़ा बनाने का। तो इसी तरह से वीवर्स जो है कपड़ा ले जाते हैं, धागा ले जाते हैं सॉरी, तो धागा ले के मर्चेंट से वो सप्लाई करते हैं, उनको धागे का कपड़ा बना के वो इसी तरह से धागा लेते हैं, उसका कपड़ा तैयार करते हैं जितना उन्होंने लिया होता है, तो उसका कपड़ा तैयार करके वो इनको वापस मर्चेंट्स को देते हैं। तो अरेंजमेंट्स जो बनाए होते हैं उनके दो एडवांटेजेस होते हैं वीवर्स को। एक तो वीवर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, अपना धागा खरीद नहीं सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोथ की जो फिनिशड करनी होती है तो वो खुद कर नहीं सकते हैं, इसलिए इनको मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वीवर्स ये जानते हैं कि क्लोथ अगर हम इनसे जितना लेंगे, जितना बुनेंगे, उसी के हिसाब से वो इनको पैसे देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैसे यहाँ पे कपड़ा तैयार हो रहा है और ये कैसे दान के हिसाब से कपड़ा बुनकर ले रहे हैं। आज का इतना ही, थैंक यू।